शब्द कहना करके यकीन पूरा खुद पर तेरी मेहनत पर तेरी हिम्मत पर सपनों को अपनी धार बना उठ हवा चीर दे चल उड़ चल उड़ चल तू पंख खोल उड़ चल उड़ चल तू पंख खोल उड़ चल मेरी बेटी कितनी समझदार है। मुझे कब क्या चाहिए सिर्फ तू ही समझती है मेरे मन की बात। फिर कुछ याद आ गया होगा इसे। अरे गीता जल्दी करो मुझे देर हो रही है ऑफिस जाना है। हाँ बाबा बस आ रही हूँ तुमने। अरे मेरा बच्चा तुझे पता था ना गीता कितनी देर है मुझे देर हो रही है ऑफिस जाना है। अरे बाबा तुमने बेटा बस आ रही हूँ। आराम से तू ही मेहनत करती है बेटा तेरी मम्मी का तो पूछ मत बस। क्या हाँ। मम्मी का क्या हाँ बेटी से माँ की बुराई कर रहे हैं। अरे नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि तुमसे ज्यादा एक्टिव तो हमारी बेटी है। होगी क्यों नहीं आखिर बेटी किसकी है। हेलो जी मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। हाँ लेकिन बता कर आइएगा प्लीज। क्या हुआ गीता क्यों परेशान क्यों रो रही हो क्या हुआ है। कुछ नहीं गीता मुझे ऑफिस जाना देर बताओ ना क्या हुआ। चाहिए ना आप जानकर क्या करेंगे। क्या करूं मतलब हुआ क्या क्यों रो रही है कुछ तो बताओ किसी ने कुछ कहा क्या। आशीष की मम्मी का फोन था कह रही थी किसे ले जाएंगी। मेरी बच्ची कहीं नहीं जानी चाहिए। ऐसे कैसे ले जाएंगी कोई बच्चों का खेल है क्या जो ले जाएंगी। बहू जी से बात करूंगा। जिसे हम जानते ही नहीं उसे हम अपने घर में क्यों रखेंगे और पता नहीं किस कुल खानदान की है। वो गीता को जब अपना बच्चा होगा तो कौन करेगा उसकी देखभाल। यही तो मैं कह रही हूँ माँ जी अगर अपना बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी का भी उठा लेंगे। और जब उसके असली माँ बाप उसे ले जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। वही तो मैं तो कब से कह रही हूँ अनाथालय भेज दो पर वो समझे तब ना। नहीं समझूंगा अरे जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी होगी ना वो अपनी बच्ची को ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ के नहीं जाएगा। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाता। आप तो बात बात पर भड़क जाते हैं। अरे आशी पर जो दावा कर रहे हैं उसे जाकर बात कीजिए यहाँ चिल्लाने से क्या होगा। बाबूजी कुछ गलत नहीं कह रहे माँ मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि कोई अपना नहीं होता अपना बनाया जाता है। अरे तुम्हारी माँ की कुछ समझ में नहीं आएगा ये सब कानूनी मामला है। मैंने तो केस भी कर दिया उन पापी माँ बाप पर अब उनसे कानून की भाषा में ही बात होगी। लेकिन बाबूजी
हमें ना उसका जात पता, ना धर्म पता, ना कुल, ना गोत्र, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंसानियत का कोई जात धर्म नहीं होता बहू। एक अनाथ बच्चे की जाति की बात कर रही हो मेघा? मानस भैया और गीता भाभी धर्म और जाति देखकर आशी को मंदिर से नहीं लाए थे। अरे तब कब पता था कि वो गूंगी बहरी है? मैं तो उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। चुप रहो देवकी, ऐसी बात करके ईश्वर का अपमान मत करो। तुम वो जैसी भी है इस घर की। हमें आंखें मत दिखाइए, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। माँ प्लीज ना इस बात को यही खत्म कीजिए। ये कभी नहीं समझेगी, इनका चश्मा ही उल्टा है। जाइए अपना चश्मा देखिए। आप कान खोलकर सुन लीजिए देवकी, आशी हमारी बच्ची है और हमारी ही रहेगी, बस कह दिया मैंने। क्या बोलती है बोलना? अरे गूंगी बोलेगी कैसे? बोलेगी नहीं तो कबड्डी कैसे खेलेगी? अरे पगली कबड्डी में कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। अरे क्या बोल रही है, कबड्डी कैसे खेलेगी? कबड्डी खेलेगी, कबड्डी कैसे खेलेगी? अरे पगली इसमें तो कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है। कबड्डी कैसे खेलेगी? तुम लोग इस पर हंस रहे हो बेटा, इसे बता रहे हो कि ये कबड्डी नहीं खेल सकती? कैसे खेलेगी अंकल, ना तो बोलती है ना तो सुनती है। अरे बेटा लेकिन इसके पास बुद्धि तो है ना, और जिसके पास बुद्धि होती है वो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, समझे? ऐसे हंसना नहीं चाहिए। एक दिन ये कबड्डी जरूर खेलेगी, है ना बेटा? चल आओ हम उधर चल के बैठते हैं, ठीक है? बाबूजी आप इतनी रात को यहाँ, कुछ हुआ क्या? हाँ बेटा आशी को लेकर परेशान, ये बच्चों के साथ कबड्डी खेलना चाहती थी लेकिन। मैं समझ गया बाबूजी, दरअसल आशी की चिंता मुझे भी है और इसीलिए बाबूजी आज मैं पुनर्वास केंद्र गया था। पुनर्वास केंद्र? जी बाबूजी, पुनर्वास केंद्र वो सेंटर्स हैं जो सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए कई जिलों में खोल दिए हैं। वहां पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है, शारीरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और तो और उनका निशुल्क इलाज भी कराया जाता है। लेकिन इस सब से हमारी आशी का क्या लेना देना? बाबूजी आशी जैसे बच्चों के लिए एक विशेष भाषा होती है जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज? अगर आशी साइन लैंग्वेज सीख जाए तो वो भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ पाएगी, अपनी बात रख पाएगी। अरे वाह, तो इसका मतलब हमारी आशी पढ़ सकेगी, लिख सकेगी, क्या ऐसा हो सकता है? बेशक हो सकता है बाबूजी, और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अभी वहीं से होता हुआ आ रहा हूँ। मैंने ट्रेनर से बात भी कर ली है, यहाँ नजदीक में ही एक सेंटर है। अरे वाह, मैं कल ही इसे इसके विशेष स्कूल में लेकर जाता हूँ, वहां हमारी आशी पढ़ सकेगी, लिख सकेगी, साइन लैंग्वेज सीख सकेगी, है ना बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है, हमारी आशी पर बहुत अच्छी लगेगी। पर हेमंत भाई साहब ने इसका प्राइस तो बताया ही नहीं, कितने की है? अच्छा है तो अच्छा है, बस प्राइस का क्या है? वैसे भी आशी को अगर पसंद आ गई तो प्राइस की कोई बात ही नहीं, समझी? पर मेघा को तो प्राइस से मतलब है ना, हम आशी के लिए कुछ भी लाते हैं,
वो प्राइस जरूर पूछती है। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर ये मेघा चाहती क्या है? पता नहीं, पर वो कह रही थी कि पराया हमेशा पराया होता है। मुझे ये झूठ लगता है कि आशी को उसकी असली माँ ने फोन किया होगा। कुछ भी कर लो, तुम्हारी गोद ली हुई बेटी की इस घर में कोई जगह नहीं है। प्रिंसिपल साहब का कमरा कौन सा है? सर आगे से राइट। यहाँ से राइट जी। अच्छा, धन्यवाद। चलो देखिए मिस्टर शेखर, साइन लैंग्वेज कोई नई भाषा नहीं है, इसका तो प्रयोग सदियों से किया जा रहा है, इनफैक्ट लगभग 100 साल के ऊपर। सिर्फ इसके करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अब चीजें बदल रही है। समाज कल्याण विभाग के इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में 2016 में ना साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी पर काम करना शुरू किया। ओह, तो ये साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी, लेकिन इससे हमारी आशी को क्या फायदा होगा? सिर्फ आपकी आशी नहीं, ऐसे लाखों लोगों को इसका लाभ होगा जो सुन नहीं सकते। साइन लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग करके आशी जैसे बच्चे हैं ना अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसे सीखने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, जैसे आम बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही इसे पढ़ना होगा। इसके लिए विशेष स्कूल होता है जो कि हमारे यहाँ है। ये साइन लैंग्वेज कहाँ कहाँ और कौन कौन से स्कूल में सिखाई जाती है? वही तो बताने जा रही हूँ मैं आपको। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है और वहाँ पे विशेष स्कूल खोले गए हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारी आशी केवल साइन लैंग्वेज ही ना सीखे बल्कि आत्मनिर्भर हो जाए और सामान्य बच्चों की तरह जीवन व्यतीत करे। ऑफकोर्स होगा शिखर जी, बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं कि आशी पोस्टर्स को देखकर नमस्ते, खाना पीना, ये सारे साइंस की प्रैक्टिस कर रही है। जी जी जी। She will definitely do it. Thank you very much. मैं यही चाहता हूँ। शेखर जी, आप आज ही आशी का एडमिशन हमारे यहाँ करवा सकते हैं। ठीक है मैडम, तो मैं आज ही अपनी बच्ची का एडमिशन आपके स्कूल में करा देता हूँ। ठीक है? तू इतना डरती क्यों है पगली? चाहे कोई कितना भी केस मुकदमा कर ली, आशी तो तेरी ही रहेगी। अरे पगली, मैं यही तो कह रही हूं तुझसे। देख, चाहे कुछ भी हो, तुझे कोर्ट में साबित करना होगा कि तू ही आशी की। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। जी दीदी, क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना मेघा? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं वकील से बात कर रही थी ना। वकील से क्यों? वो बाबूजी ने कहा है ना कि आशी हमारी है और हमारी ही रहेगी, तो मैं वकील से वही पूछ रही थी कि हमारी आशी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मुझे सब पता है, आशी की सबसे बड़ी दुश्मन तो तुम ही हो। क्या हुआ दीदी, आप कुछ सोच रही हैं? हाँ, वो मैं ना तुमसे बाबूजी के बारे में पूछने आई थी, अब कहीं दिख नहीं रहे हैं, तुमने देखा क्या? बाबूजी की नहीं, उस गूंगी बेटी की चिंता है। ऐसी हस्ती खेलती रहो बेटा, सांकेतिक भाषा सीखने के बाद तो मुझे तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी है। वेलकम करना सीख गई बिटिया। कमाल है बाबूजी, आज तो आशी बड़े मूड में चहक रही है, ये कुछ समझा रही है और आप भी हाँ कर रहे हो, समझ रहे हैं। गीता, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है?
समझने की कोशिश तो कर रही हो। और वैसे भी एक बेटी की बात एक माँ तो समझ ही जाएगी, है ना? अरे बेटा, आशी जो बोल रही है ना, उसे समझने के लिए आशी की भाषा सीखनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, पर बाबूजी एक ही दिन में ये कौन सी भाषा सीख कर आ गई? ये सांकेतिक भाषा है बहू, और ये जो बता रही है ना, ये एक ही दिन में वो पोस्टर देखकर सीख गई। और जब इसकी ट्रेनिंग होगी ना, तब देखना। हाँ। गूंगी कितना भी हाथ चमका ले, गूंगी ही रहेगी। चले हैं भाषा सिखाने। हरे मुरारे रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जय श्री गणेशाय, श्री माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। हरे कृष्णा, क्षमा करना किशन कन्हैया। अब बताओ हम आपको कैसे भोग लगाएं? पहले हम अकेले में भोग लगाते थे, अब ये लड़की आपके भोग पर नजरें गड़ाए बैठी है। कैसे भगाएं इसको हम बताओ? इतनी छोटी है कि हम तो इस पर हाथ भी नहीं उठा सकते, पर आज ना हम इसको ना पूजा कैसे होती है ना ठीक से समझा देंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। अरे जाती है कि नहीं यहाँ से? अभी बताती हूँ मैं तेरे को, रुक जा, चल, हट यहाँ से, चल। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है भाई? ये कैसी पूजा है? ईश्वर के घर में इतना गुस्सा? आप कहाँ से टपक पड़े? ले जाइए अपनी प्यारी बेटी को यहाँ से, चैन से भगवान को भोग भी नहीं लगाने दे रही। आपने सर चढ़ा रखा है इसे। शाबाश बेटी, शाबाश, ऐसी लगी रहो। हाँ, ऐसी लग रहो। तुम्हारी दादी पूजा करती रहेंगी और भगवान की कृपा तुम पर होगी, है ना? ले जाइए, हमारी पूजा में विघ्न डाले ये, हम बोले देते हैं। चलो बेटा चलो, हमें तो चलना है ना, ये तो ऐसी लगी रहेंगी, हमको सीखने चलना है भाषा। चलो आओ। जीवन में संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू, अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी दासी हो।